श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बर नौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल जारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि एशियन शूज की तरफ से गिफ्ट आया है। सर मैं आपको कह रहा था ना शूज बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो हैं पर मेरे मेरा टशन मेरा एशियन। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नॉट जस्ट अकाउंट्स मैनेज योर बिजनेस। शो योर लव शो योर केयर शो योर वार्मथ विद कोको फोम प्रीमियम रेंज ऑफ होम फर्निशिंग्स। आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं।
अरे भाई मैंने बोला कैसे है सारे के सारे। हेलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सभी का वेलकम है एंटरटेनमेंट विद गुंजन सक्सेना, प्रेजेंटेड बाय एस म्यूजिक मेकर टीवी। और सभी का तहे दिल से धन्यवाद शुक्रगुजार हूं। और हमारे स्पॉन्सर जी हां, एशियन फुटवेयर विधि बिजनेस सोल्यूशन, कोको फॉर्म, फ्लोरेट, भाई इनका भी थैंक यू करना तो देखो बनता है। आज मैं थोड़ा सा अलग मूड में हूँ क्योंकि आज ना एक बड़ा स्पेशल डे है, आज है फादर डे। तो आप सारे पापाओं को हैप्पी फादर डे और जितने बेटे हैं उनको हैप्पी बेटे के पापा डे। तो भाई सारे अपने अपने पापाओं को विश करना प्लीज, आज बहुत ही बढ़िया दिन है। हेलो हेलो, कैसे हैं सारे के सारे? आज तो भाई मजा आने वाला है। आ जाओ सारे। ओके भाई, सभी मित्तल जी, जयप्रकाश गर्ग जी, सबको नमस्कार है मेरा। अन्नी सिंगल जी भी आ गए हुए हैं। मैं एक बार चाहता हूँ ये भी ना एक बार जुड़े, कोई बात नहीं सारे। आज मैं पहले से इन्हें इनवाइट कर देता हूँ क्योंकि देखो जी मेरी गेम शो का मकसद है नए नए लोगों से जुड़ना, बातें करना, उनको एंटरटेन करना। देखो प्राइस तो है बट मैं चाहता हूँ कि उनके साथ मस्ती करें। मेरे चश्मे में सारा लैपटॉप तो नहीं दिख रहा, अब ठीक है? पहले ठीक था या अब ठीक है? अब ठीक है, मैं थोड़ा आगे आगे बात कर लेता हूँ। कैसे है सारे यार? थोड़ा सा ना मुझे कमेंट में लिख के बताओ कैसे है सारे, कैसे चल रहा है सबका काम? वेरी गुड। हेलो भैया, हेलो, सारे बढ़िया, वाओ, हैप्पी फादर्स डे। ओह निर्मल सिंह जी, भाई इन्हें बुलाओ, आज इन्होंने वादा करा था ये आएंगे और आज इनको आमने लेकर आना स्टूडियो के अंदर। मैंने आज इनके साथ बड़े सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, थोड़ा सा इनके साथ मस्ती भी करनी है। हैप्पी फादर्स डे, मैंने भी अपने पापा को फादर्स डे बोला, फिर उन्होंने मेरे को दो चार सुनाई बढ़िया करके, मतलब कोई बात नहीं, बाप का फर्ज होता है बेटे को सुनाने का। फिर मैंने अपने बेटे को सुनाई, फिर मेरे बेटे ने अपने बेटे को सुना नहीं सकता, अभी वो शादीशुदा नहीं है इसलिए उसने नहीं सुनाई किसी को भी। जब वो पापा बनेगा फिर अपने आप देख लेगा हमें क्या करना है। ठीक है जी, मैं सही बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ, बट आज मैं बता दूँ मेरे आज के क्वेश्चन आंसर जो है वो बड़े डिफरेंट है, बड़े अलग है, थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। तो आप सबकी तैयारी हो चुकी है? हेलो रायमा एंड इशिता देयर, वाह विप्लव जी वाह, पहले तुम आपस में ही खेल लो एक दूसरे के साथ, वेरी गुड। मतलब बंदा हमको आए नहीं कर रहे, सीधा कह रहे रायमा जी और इशिता जी हैं, वाह विप्लव जी आई लव यू टू, मेरे को तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आथू यार मेरी बात सुनो, आपने हमने प्यार से इधर रहना है, आप सीधा कह रहे रायमा एंड इशिता, सबको बोल दो, सबको बोलो कि जल्दी जल्दी से सारे आ जाएं, चाहे वो रायमा जी हो चाहे इशिता जी हो, आपस में बात नहीं करनी, मेरे साथ बात करो, एक बार स्टूडियो में बुलाओ सबको। वेरी गुड, ओके भाई साहब के कमेंट आ रहे हैं, सबकी बातें हो रही हैं, बट मैं आपको बता दूं आज हमारे साथ एक और प्यारी सी शख्सियत जुड़ने वाली है जो शायद अभी थोड़े से बिजी लग रहे हैं, मुझे है नहीं वो इधर। अमर सिंह जी वेरी नोन वेरी फेमस म्यूजिशियन है जिनका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, जिन्होंने मोर देन 1500 से भी ऊपर शो कर रखे हैं और आज वो हमारे साथ जुड़ेंगे और थोड़ा सा जादू भी दिखाएंगे फादर्स डे स्पेशल में। वैसे आज का दिन तो मजा आ गया ना, आज फादर डे स्पेशल ही हो गया, एंटरटेनमेंट विद गुंजन फादर डे स्पेशल एस म्यूजिक मेकर टीवी प्रेजेंट्स। ओके, कोई मेरी बात का बुरा मत मानना, भी मैं ऐसी बातें करता हूँ। अच्छा अच्छा, सेइंग हेलो टू यू, ओके ओके। इशिता जी एंड रायमा जी थैंक यू वेरी मच। यार अपने अपने फोन से आओ नहीं तो जीतोगे कैसे? भाई मैं बता दूं आपको, मेरे बॉलीवुड के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं लेकर आऊंगा, अगर आप एक फोन से खेलोगे तो फिर आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। हर घर में कम से कम 25 फोन होते हैं, मतलब 4-5 तो होते ही हैं। पापा दिवस पर हार्दिक शुभकामना जयप्रकाश जी, ओए होए, जो आपने बोला है ना ये वाला हिंदी वाला शब्द पापा, वैसे तो हम पिताश्री बोलते हैं, अगर हिंदी में आते हैं तो पापा भी नहीं होता पिताश्री होता है। जयप्रकाश जी आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, आपने हिंदी में है और ये हमारे पैटर्न है। थैंक यू वेरी मच सर जार जुड़ने के लिए। जयप्रकाश गर्ग जी आपका धन्यवाद। भाई आज पापा दिवस है, फादर डे पिताश्री डे, तो आप सबको बधाई है। एंड एस म्यूजिक मेकर टीवी के हमारे जो पेटेंट हैं गर्ग साहब जी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हमें देख रहे हैं। चलो जी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ओ हो हो आज मैं खेलूँगा। गुर्रम आ गया भाई, वेरी गुड, ये लड़का मेरे को हीरा लगता है, मेरे को बड़ा पसंद है ये आदमी कसम से। एक बार ये मेरे पास आया था, कह रहा सर मैंने आपसे ट्यूशन लेनी है। मैंने कहा ओके बेटा ट्यूशन मैं दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तुम पैसे दो मैं ट्यूशन भी दे दूंगा। फिर इसने बोला
सर मैं ट्यूशन लूंगा और मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा। फिर मैंने कहा बेटा तुम गलत आदमी पे आ गए हो, मैं सिर्फ चुटकुले सिखा सकता हूँ, सिंगिंग तुम्हें कोई और सिखाएगा। फिर ये सही जगह गया था, सही बोल रहा हूँ ना गुरुम मैं। अच्छा इसका नाम भी बड़ा प्यारा है गुरुम। माँ बाप ने बिल्कुल छांट छूट के रखा है कि दूसरा बंदा ले तो उसकी जुबानी टेढ़ी हो जाए। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बातें होती रहेगी। बट मैं चाहूंगा कुछ मुझे जो अपने गेस्ट है ना वो स्टूडियो में भी चाहिए, चाहे बाद में आ जाना, अभी मुंह हाथ धो लो। अपने क्वेश्चन आंसर का राउंड में शुरू करूंगा, बट मैं चाहूंगा सबसे पहले ऐसे म्यूजिक मेकर के हमारे कर्ता धरता जरा पवन श्रीवास्तव जी को भी एक बार सामने बुलाया जाए, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत की जाए। आ जाओ जरा जल्दी से। मेरे को लगा था मैं एंड में आऊंगा। एंड में नहीं, मैंने तुमको पहले बुलाना। ये आदमी गौर से देखो इस आदमी को, ये जितनी भी लाइफ पे जितनी भी खतरनाक हरकतें हो रही है ये आदमी कर रहा है वो, क्योंकि लिटिल वंडर 2 भी चला दिया इन्होंने और पता नहीं एंटरटेनमेंट विद गुंजन भी करा दिया, अभी ये पता नहीं और क्या क्या करने वाले हैं। तो इनका एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए। हेलो आई एम रहमा सर, आई हैव जॉइन विद अनदर डिवाइस। देखो भाई ओए ओए रहमा, मैं दिल खुश हो गया। देखो मेरी बात लड़के ने सुन ली, उसने अपना अलग से फोन ले लिया और ज्वाइन हो गया। तो भाई जिसने भी ये लिंक शेयर नहीं करा है सबसे पहले तो वो ये लिंक शेयर करो। हाँ जी पवन जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि पहले क्वेश्चन से ही लोग जुड़ जाएं, और आज प्राइज एक नहीं दो नहीं तीन प्राइज है। ओ वाह भाई वाह, लाले खुश कर देता यार आज तो, फिर तीन प्राइज है आज तो, एक भी नहीं है। अब हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं कोको फोम मैट्रेसेस, एशियन फुटवेयर, फ्लोरेट, फीमेल अंडरगारमेंट में इंडिया का नंबर वन ब्रांड है, और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इन सब की तरफ से तीन प्राइजेस आज हैं, और वो भी तीनों कैश प्राइज। भाई वाह, आज आज मैं चाहता हूँ खुद क्वेश्चन पूछ के मैं खुद ही जीत जाऊं। तीन में से एक हमने बुलाया हुआ है स्पेशल गेस्ट, फोटो लगाई है, वो यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं। देखो धीरे धीरे से ना, धीरे धीरे से आपकी आवाज किसी से मिलती जा रही है, ऐसे मत बोला करो, थोड़े दिन में आपको भी असर हो जाए। मैं सॉरी, माफी चाहूंगा, मैं किसी की बात और नहीं करना चाह रहा था। ओके, बट आज के तीन अमर पाजी आ चुके हैं और उनका भी वेलकम है, और आज हम उनको स्टूडियो में बुलाएंगे। पिछली बार वो हमारे साथ खेले थे, बट मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी पहले लिंक को शेयर कर लो, ताकि फिर हमारा जो क्वेश्चन आने वाला है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आए। एंड हमारे सभी स्पॉन्सर का एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, एशियन फुटवेयर, बिजी बिजनेस सॉफ्टवेयर, कोको फॉर्म एंड फ्लोरेट, और मेरा मम्मी मेरी पूरम गुप्ता आ गया एक बार, इसके लिए भी जोरदार लीड देना। लीड अबे पहले ये सारे बातें बाद में करते हैं, लीड देना ये, इसलिए ऑनलाइन ने ना बड़ी सारी चीजें खराब। हेलो हेलो हेलो, तू रहने दे, हेलो, ऑनलाइन ने बड़ी सारी चीजें खराब कर दी हैं। लीड देना, लीड इतनी जोर से तो पड़ोसी तेरे को लीड दे जाएंगे पागल, आराम से बोलते हैं वो घर में, ये पता नहीं चल रहा है। अमर अमर जी किधर गए? हाय अमर भैया, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। एक बात बता दूं, जो लोग इसको जानते नहीं, वैसे तो जो ऑनलाइन है वो सारे के सारे इसको जानते हैं, बट मैं बता दूं ये बहुत ही प्यारी आवाज का मालिक है, इसने 5,000 भाड़े पे ले रखी है। अब नहीं नहीं बड़ा भाई आवाज सुनीला है ये, जब इसको मैं सुनता हूँ ना, ये दो तीन सिंगर है, मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि जब ये गाते हैं ना दिल से गाते हैं, ओए 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 दिल खुश कर देते हैं। एक गुरुम एक कदम, ये मैं इनको सुन के ना मेरा दिल खुश हो जाता है। पवन भैया मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ? देखो घर में रहने का फायदा, पानी भी पी लो। पानी पीते रहना, हम तो मैंगो शेक पीएंगे। बेटे ऐसी हरकतें अगर तुमने लाइव शो में करी ना, ये तुम्हारा क्या चल रहा है? स्टील के गिलास में तुम्हारा क्या काम चल रहा है? पवन भाई पहले बताओ। देखो भाई हमारा गेम से तो मतलब ये है कि आप खाते पीते रहें, एंजॉय करते रहें, किसी ने खाना पीना नहीं छोड़ना है। सुपर शो याना विनायक मुदगल जी, आज सारे मंडल मुदगल और सारे आ रहे हैं, मेरे को बड़ी मजा आ रहा है, आज बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। गुरम तू जल्दी से मैंगो शेक पी, नहीं तो मैंने फिर तेरे मुंह पे ना प्यारी वेरी पप्पी दे देनी है, जल्दी कर। एक तो दिखा दिखा, नहीं मैं तो अब तो मैं ऐसे ही पीऊंगा। चलो फिर एक काम करते हैं गुरुम, आप यहाँ पर हमारे साथ प्राइवेट चैट में कमेंट कर सकते हो, और जो जितने भी घर बैठे हुए हमारे व्यूवर्स है जो देख रहे हैं, वो आप सबने
नीचे कमेंट में आपने अपने आंसर देने। मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, उसमें आपको सिर्फ 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। बॉलीवुड रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, 10 क्वेश्चन आंसर मैं सबसे पूछूंगा और जिसने सबसे ज्यादा सही दिए होंगे, जो सबसे टॉप पे रहेगा फर्स्ट पे आएगा, उससे कम वाला उससे सेकंड पर एंड सबसे कम वाला थर्ड पर, और जिसने बिल्कुल भी नहीं दिया उनको हम लाइव बुलाकर दादू की जप्पी देंगे। पहले म्यूट खोल लो। अच्छा नहीं, म्यूट उधर से बंद है, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम ज्यादा बोल रहे थे इसलिए तुम्हारा म्यूट बंद हुआ है, इसलिए तुम टाइपिंग करो अब, ठीक है? ये म्यूट किसने, तुमने करा, उन्होंने करा है, एक ही बात है, कोई भी कर सकता है। नहीं म्यूट म्यूट ज्यादा मत करो, पीछे से आवाज तो नहीं आ रही बड़ी खतरनाक वाली? नहीं नहीं, ठीक है। चलो भाई, तो सारे रेडी है? मेरे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ये सारी चीजें पहले पूछ लो। वंश तुम रुक जाओ, शर्माओ मत, तुम्हें प्राइज मिलेगा। देखो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, जो फर्स्ट आएगा उसको है 250 का पेटीएम, और जो सेकंड आएगा उसको मिलेगा 150 का पेटीएम, और जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा 100 का पेटीएम, और जिसको नहीं चाहिए वो बता दो, मैं अपने फोन पे ले लूंगा। फर्स्ट वाले को 100, थर्ड वाले को 100। हाँ जी, ज्यादा दे रहे हो? नहीं, आपने बोला है कि जो फर्स्ट आएगा उसको 100, वो थर्ड जो आएगा उसको 100। नहीं, जो थर्ड आएगा उसको 100, जो फर्स्ट आएगा उसको 250 है। हो गया था, वो गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी मुंह से। मेरे से मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गई भाई, माफ कर दूंगा। मैं थर्ड प्राइस आपको बता दूं 100 है, फर्स्ट प्राइस 250 है एंड सेकंड प्राइस है 150। अब ठीक है, और मिनिमम 5 क्वेश्चन के सही आंसर देने होंगे तो फर्स्ट प्राइस मिलेगा। हां, वैसे नहीं कि तुम आगे हो और तुमको कुछ भी मिल जाएगा, वाओ यम्मी। तो गाइस आप सारे रेडी हैं, तो एक बार जरा अपना थंब ओके करके जल्दी से मेरे को भेजो। और मेरा पहला सवाल आ रहा है आप सबके लिए, रेडी? हुर्रे हुर्रे, सारे हुर्रे कर रहे हैं, वेरी गुड हनी, वेरी गुड यार सारे, रायमा याना जी, अनी जी, आशीष जी, सारे रेडी हैं। तो मेरा पहला सवाल आ रहा है, तो गुरम आप प्राइवेट चैट में भी अपना आंसर दे सकते हो, सिर्फ 15 सेकंड का टाइम होगा आपके पास। रेडी? यहाँ पे नहीं दे सकते, लाइव में? लाइव में बोलना नहीं है जी। अच्छा ठीक है, जो भी होगा वो कमेंट करना है। वैसे तुम लोग सारे व्हाट्सएप पे पूरा दिन लगे रहोगे तब कुछ नहीं होता है, यहाँ कमेंट करने में तुम लोगों की जान आफत में आ रही है, मेरे को तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ओके चलो जी, मेरा पहला सवाल आ रहा है आपके लिए, और मेरा पहला सवाल है कि रेडी हो जाओ। ओके हो गया सबका। मेरा पहला सवाल है, 3 इडियट मूवी में आमिर खान का असली नाम क्या होता है? जल्दी से टाइप करो, 15 सेकंड का टाइम है। 3 इडियट मूवी में आमिर खान का असली नाम क्या होता है? जिस नाम से वो कॉलेज में घूम रहा होता है, वो वाला नहीं, दूसरा वाला। वेरी गुड, स्पेलिंग जरूर ध्यान देना सारे के सारे, मैं सबको बोल रहा हूँ, स्पेलिंग गलत होगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, स्पेलिंग मैटर्स। ओके, सबसे पहले आंसर आया था गुरुम गुप्ता, एंड उसके बाद वंश शर्मा, उसके बाद रेंचो, उसके बाद रनचोड़े। ये रनचोड़े क्या होता है भाई? आशीष जी गलत, फुंगसुंग वांगडू। शालिनी सिंगल जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये शालिनी सिंगल जी मुझे लग रहा है कि ये कौन है? मैंने बताया पहले, मैंने भी बताया। हाँ तेरा पहले बोला है मैंने, गुरुम तेरा पहले आया है भाई। Okay. तू लाइव चैट में बैठा हुआ है ना, इसलिए तू फटाफट से आंसर कर रहा है। स्पेलिंग चेक करो पहले। सर जी स्पेलिंग है PHUNSUKH, फुनसुक, WANGDU, फुंगसुंग वांगडू। वंश बिल्कुल ठीक है। गुरम की स्पेलिंग गलत है। किसकी? गुरम। ये जल्दी में रह गया, ये आदमी ने सोचा मेरे को 250 रुपए चाहिए, पहले मैं डाल दूं। यही होता है, इसलिए थोड़ा दिमाग से रट तोड़ दा। सामक साल चाचड़ नहीं था जी, उसका नाम था फुंगसुंग वांगडू। निर्मल जी आप भी वांगड़ू वाली बातें ना करो। चलो पहला सवाल था ये, कोई बात नहीं, आगे मौके मिलेंगे, ये समझ लो प्रैक्टिस सेशन था तुम्हारा, इसलिए कह रहा हूं 15 सेकंड है, स्पेलिंग देख के डालो। ये बिल्कुल सही है, फुन सुख वांगड़ू, क्योंकि उनका फुन जो था बड़ा सूखा हुआ था, इसलिए वो वांगड़ू हो गए थे। तो अब मुझे नहीं पता फुन और सुख कैसे गया था। चलो भाई पाजी आगे बढ़े, आप इधर ही रहना। पवन जी आप दिख रहे हो ना, बड़ा प्यारा लगता है।
आंसर जो है वो सही सिर्फ और सिर्फ वंश का था, क्योंकि शालिनी सिंघल जी ने पहले रेंचो लिखा था, बाद में फुनसुक वांगड़ू लिखा, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गई। ये वाला सारा काम तो आप ही करोगे, ये वाला मैं नहीं देखूंगा, ये वाला काम करेंगे हमारे पवन श्रीवास्तव जी, द वन एंड ओनली एस म्यूजिक मेकर टीवी के करता धरता, और हमारे इस एंटरटेनमेंट विद गुंजन सक्सेना के करता धरता। तो चलो भाई, गुरम रेडी है ना? गुरम थोड़ा सा अटका वटका सा लग रहा है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, रेडी? अगले क्वेश्चन के लिए थंब डाल दिया करो जल्दी से, फटाफट फटाफट से, मेरा भी सही था। शालिनी जी, जज जज के आगे हमारी नहीं चलती, जैसे जज बोलेंगे वैसे हम करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, एक बार जरा अमर जी से भी वार्तालाप की जाए, बिल्कुल मैं कर लूंगा। ओके तो चलिए, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है। खुशबू गोस्वामी जी, आप अभी अभी आई हैं तो मैं आपको बता दूं एक बार, ओए होए होए मेरा भरा, क्या आदमी को मैं जब जब देखता हूँ ना, मेरा छीना ना इतना चौड़ा हो जाता है ना, मेरा दिल ऐसा खुश हो जाता है ना, आई लव यू ब्रदर। आज कौन सी गेम लगाई है, पूरे चिट्टे लग रहे हो। आए हाय आए, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। आहा कैसे हो? हेलो पवन भैया, कैसा है अमर? बढ़िया बढ़िया भैया, एवरग्रीन। थैंक यू। ओके सारे रेडी है क्वेश्चन आंसर? अमर बाजी आपने एक क्वेश्चन मिस कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे पता है। अमर मैं बैक स्टेज पे था। नहीं नहीं, मैं बैक स्टेज पे था भाई। किसमें थे आप? वांगड़ू। मैं बैक स्टेज में था, सुन रहा था मैं। ओए होए यार, ये आदमी को मिस करवा दिया यार हमने, यार ये गलत बात है यार। पवन भैया चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, सारे रेडी हैं इस वक्त खुशबू गोस्वामी जी, एंड मैं बता दूं मैंने 10 क्वेश्चन आंसर पूछने, जिसके भी 5 से ऊपर सही होंगे उसको हम लोग देखेंगे कि किसके सबसे ज्यादा सही हैं। एंड आज थोड़े से डिफिकल्ट है पवन जी, थोड़ा सा माफी भी दे देना सबको, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया हुआ आज मैंने, इजी नहीं है आज का। तो गाइज रेडी, मेरा दूसरा सवाल आ रहा है पहली बारी। ओके एक डायलॉग है, मैं वो डायलॉग बोलूंगा, आपको बताना है कि उस मूवी का नाम और वो किस एक्टर ने बोला है। तो यानी कि आपको दो आंसर लिखने हैं और दोनों के स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना। ओके तो ये रहा वो डायलॉग, जो देख रहा है जो सुन रहा है वो डायलॉग दोबारा सुन लो, मार्क इधर है तेजा मैं हूं। इसकी मूवी का नाम और एक्टर का नाम बताना है आपने, मार्क इधर है तेजा मैं हूं। ये जिसको भी पता है वो फटाफट से लिख दो। किस किस के आंसर आ रहे हैं? अच्छा गुरम तो कह रहा है मैं अब तो गूगल भी नहीं कर सकता, सामने बैठ के कैसे करूं। शालिनी जी बिल्कुल सही आपका जवाब है, करेक्ट लिखा है आपने। ये थोड़े शरारती लोग हैं, कोई बात नहीं। आशीष कुमावत गोलमाल, नहीं जी सर ये फिल्म थी। सर आंसर दे सकता हूँ पवन जी अब मैं? हाँ टाइम ऑफ हो गया जी, बिल्कुल ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना, और हीरो थे परेश रावल। मार्केटर है तेजा मैं हूँ, अरे मार्केटर है तेजा मैं हूँ, ये परेश रावल जी का था। अमर पाजी तुमको ये नहीं पता था? मैं मैंने मैंने सुना है कि जो पहले एक बार प्राइज जीत चुका है वो कितने भी आंसर कर ले वो दूसरी बार अब आज के एपिसोड में नहीं जीत पाएगा, क्या ये सही है? ये अनाउंसमेंट किसने की? नारगुंजन ने की ना? पहले बता ये वाली अनाउंसमेंट किसने करी है तेरे को, ये तू बता, ये कहां से सुन के आ जाते हो ऐसी खबरें? एस म्यूजिक मेकर का मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ, उसके अंदर की बहुत सारी बातें मुझे पता होती हैं। तुम इंपॉर्टेंट पार्ट हो, मतलब हमने ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं करी है। ये बात तो ना अंदर हुई ना बाहर हुई। और मैं यहाँ से निकली है, तन्मय के साथ हूँ, पर मुझे ये नहीं पता चल रहा तन्मय खेल रहा है या शालिनी जी खेल रही है। तन्मय खेल रहा है, शालिनी आंटी गूगल कर रही है, और ये ऐसे चल रहा है मैं बताता हूँ। चल टेंशन ना ले, क्योंकि इसके बाद वाले ना कुछ ही मिलेंगे गूगल पे, उसके बाद वो भी नहीं मिलेंगे। यार देखो हमारे बीच में यार इतनी प्यारी शख्सियत बैठी हुई है अमर पाजी,
कुछ रेडी है तो कुछ एक मैजिक आपके लिए दिखाई देने वाला है, मैजिक आने वाला है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा गुरम एंड एवरीवन रेडी। बाजी म्यूट खोलो अपना। हाँ खुल गया खुल गया। आप सबको दिखाई दे रहा हूँ मैं? अरे बड़े क्लियर हो बाजी, मेरे पास से वीडियो रुक गई है वैसे। नहीं नहीं हमारे को आ रही है, आपको आ रही है? नहीं मुझे वीडियो रुकी हुई आ रही है। नहीं आपका हाथ एक आगे चला गया एक पीछे चला गया, आप गिनती बताओ मैं बताऊंगा आप दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो। लेकिन मेरे पास से ना वीडियो सारी पॉज है इस टाइम पे। एक, लेकिन मुझे बिल्कुल सब कुछ पाउच दिख रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा लगाया हुआ है मैंने, जापान से मंगाया है, इससे अंदर बाहर का सब कुछ दिखता है। चलो मैं एक बार दोबारा आता हूँ, एक बार साइज पे ना आ नहीं रहा। कहाँ से आओगे दोबारा पहले बताओ, एक बार एक ही बार आता है, कितनी बार आओगे दोबारा मेरे को ये नहीं पता यार। मैं तो आ चुका हूँ एक बार, लेकिन दोबारा इस पे एक बार आना जा रहा हूँ मैं। अब आगे एक बार लीव होता हूँ मैं। ओके कोई नहीं, मैं अपना अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी जब तक ज्वाइन कर लो। आ गया आ गया आ गया आ गया। यस फाइनली हमारे जादूगर। एक्चुअली मैं ये देखता हूँ कि अमर पाजी इतने बड़े मैजिशियन है उनका भी कैमरा रुक जाता है, बताओ। चलो होता है पाजी कभी कभी। तो शुरुआत करते हैं पाजी, मैं जैसे कि एक रूबिक क्यूब जैसे मैंने पहले भी दिखाया था आपको, आप देखोगे कि एक अनसॉल्व रूबिक क्यूब, और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि कितने लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, बट पाजी कोशिश रही मेरी, एक बार देखते हैं। सॉल्व तो नहीं कर सकता मैं, एक बार देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपने इसको करने की। एंड पाजी ये यार ये ना मेरे को ऐसी चीजें सिखाओ प्लीज, भगवान का वास्ता है। मैं ऐसे ऐसे करूं मेरे हाथ में पता नहीं क्या क्या आ जाए, मैं ऐसे ऐसे करूं और गोलगप्पा मेरे हाथ पे, मैं ऐसे करूं फिर उसके बाद मेरे हाथ में मोमोज। यार मैं गलत गलत नाम तो नहीं ले रहा 9 बजे? क्या बात है अमर पाजी, लव यू यार। चलो फिर एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन के बाद आपका मैजिक, फिर एक क्वेश्चन, फिर एक मैजिक, ऐसा हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, डन डन डन। चलो चलो भाई मेरा थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, सारे जल्दी से थंब का अपना निशान दे दो। वाओ भाई आपके लिए भी कमेंट आ रहा है, वाओ वाह जादूगर कमाल कर दिया तुमने, वेरी गुड। ये मैं बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन के लिए बिल्कुल रेडी है बाकी। देखो अब आने वाला है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, मेरा थर्ड क्वेश्चन, आपको बताना है इस मूवी का नाम और इनके दो एक्टर जिसके ऊपर ये फिल्म आया गया है। मैं एक गाना गाने वाला हूं, वैसे मेरी आवाज बड़ी बेकार है बट मैं गाना गाऊंगा, तो जो मैं गाना गाऊंगा आपको बताना है उस मूवी का नाम और दो एक्टर का नाम। रेडी? हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का। अब फटाफट दे, जल्दी से जल्दी कर दो, मूवी का नाम और दोनों एक्टर का नाम। और आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ, ये ट्रेन के इंजन के अंदर होता है गाना, पवन भैया को पता है, मेरे को पता है, वो सोच रहे हैं मैं कैसे लिख के दूं ये आदमी को ये वाला आंसर। मुझे पता है ये कौन सा गाना है यार, वंश बेटा ये तुम्हारे से पुराने पुराने यार। देखो मैंने पहले ही बोला था मैं ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा, असली वाले नहीं मिलेंगे। हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं पार्टिसिपेट। बिल्कुल पाजी क्या कर रहे हो, करो। विप्लव मंडल जी ने गाना बहुत बढ़िया, फिल्म का नाम लिखा है। सर आपको दोनों आंसर देने हैं, किसके ऊपर फिल्माया गया था ये? ये आशीष कुमावत को एक बार मेरे से मिलवाओ, भगवान की कसम मेरे को ये शख्स देख रहे हैं। आशीष कुमावत, हेलो आशीष, हेलो। ये आदमी मेरे को देखना है यार, शोले मूवी का डायलॉग ये शोले मूवी में। टाइम अप आशीष, टाइम अप। ओके भाई रुक जाओ, सभी का आंसर कोई बात नहीं, सभी ने। अच्छा ये आप नीचे वाला देखो, वो भी आ गया। संजय दत्त, शम्मी कपूर, दिलीप कपूर।
दिलीप कुमार वो भी आ गया, समझ रहे हो आप, देख रहे हो आप, ये गूगल का असर है, ये गूगल का असर है, ये इसलिए बोलते हैं गूगल ला करो। मैंने यही बोला था, सिर्फ ट्रेन में वो दो कौन लोग थे जिन पे ये गाना फिल्माया गया था, फिल्म का नाम था विधाता, जिसके स्पेलिंग है VIDHAAT, और शम्मी कपूर जी और दिलीप कुमार जी, मेरे ख्याल से किसी का भी सही नहीं था, एक सिर्फ विप्लव मंडल जी ने मूवी का नाम लिखा था, वो बाकी ये देखेंगे हमारे पवन जी। तो अमरपा जी एक मैजिक हो जाए जब तक, आशीष जी आपसे मिलूंगा। आज है फादर्स डे, और आज है फादर्स डे, और मैं चाहता हूँ फादर डे पे कुछ खास चीज आपको दिखा दूं। जैसे कि भाजी मेरे पास यहाँ पर एक बॉल है, आपको दिख रही बॉल? बिल्कुल, एक स्पंज की बॉल है, और ये मैंने यहाँ रख दी है, कैमरे में आपको आ रही होगी वैसे, ये ठीक है, बिल्कुल आ रही है, लाल पे लाल। हाँ जी, हाँ जी, रेड कलर की बॉल है भाजी। पाजी लेकिन मेरे को एक बॉल और की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मेरे पास ना अभी फिलहाल ये एक ही बॉल थी, तो बट मैं चाहता हूँ बना दो, मैं वही कोशिश करने वाला हूँ, शायद मेरा फोन लेता हूँ मैं ये, एंड नॉर्मल सा फोन चेक करूंगा भाजी। ये वाली बॉल अलग है, ये एक फोन में दूसरी बॉल आ गई है, सबको दिख रही है? तो ये फोन से बाहर थोड़ी ना आएगी कोई? नहीं पाजी, इसको मैं लाने की कोशिश करता हूँ, दिख रही है आपको? मेरे को दिखाई दे रही है। हाँ जी, हाँ जी, अटकी बात है, स्क्रीनशॉट चला गया वो वाला। नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट पाजी यही बॉल है वो, मैं एक काम करता हूँ उस बॉल को लेकर के, और ये सेकंड बॉल भी मेरे पास आ चुकी है यार। ये तो मेरे को, चलो मैं इतनी तो टेक्नोलॉजी समझ सकता हूँ कि आपने मतलब बॉल डाल दी, बट चली बाहर कैसे निकाली ये मेरे को नहीं समझ में आया। अच्छा, और मजे की बात है, ये दो बॉल्स हैं यहाँ पे, एक और ये दो, एक और ये दो, मैं इसको भी ऐसे करूंगा, तीन हो जाएंगी बाजी। ये मेरे को दूसरी भी करके दिखाओ प्ले। अच्छा देखो देखो देखो, एक चीज देखो, ये एक बॉल है, इस हाथ में कुछ भी नहीं है, इस हाथ में अपने पास रखा मैंने बॉल को, दिख रही बॉल ये? हाँ। ये सेकंड बॉल ली मैंने, ये थर्ड बॉल ली, पर ये बॉल कहाँ है? बॉल हाथ में ही है, बॉल कहाँ जाएंगी? इस हाथ में नहीं है, इस वाले हाथ में है, ठीक है, उसमें 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 इसके अंदर कितनी बॉल्स है? इसमें तीन तीन बॉल्स हैं, और आज जैसे कि कुछ खास मैंने बोला है कि पेरेंट्स के लिए है, तो एंड पाजी दिस इज अ हार्ड स्पेशली, क्या बात है अमर पाजी, दिल जीत लिया आपने पेरेंट्स यार। हमारे सभी पेरेंट्स के लिए दिल से हैप्पी फादर्स डे, एंड भाई आप सभी के जितने भी यहाँ पे व्यूवर्स है सभी को हैप्पी फादर्स डे, एंड बहुत ही बढ़िया दिन है आज का। वैसे तो मैं पिताश्री डे बोलूंगा अगर मैं हिंदी में आता हूँ तो, पापा डे या पिताश्री डे, और हमने ना बचपन से ना सिर्फ पापा के ना चप्पले जूते घुसंडी खाए हैं, तो नहीं प्यार भी करते थे हमें, जब हम फैल जाते थे जमीन के ऊपर, पापा मुझे ये वाली बंदूक चाहिए, फिर बाद में वही बंदूक हमारे ठुकरी होती थी, दबा दब, तो ऐसी बड़ी सारी चीजें हुई है, और ये मैं नहीं तुम दोनों के भी पढ़ी होंगी, तुम अनोखे लाल नहीं हो, ये पापा का प्यार होता है भाजी, भाई पापा का प्यार ऐसे ही होता है, पापा का प्यार बर्गर सुझा देता है भाई साहब। मैं देखो मैं नेशनल टीवी पे मैं बर्गर ही बोलूंगा, बट थैंक यू वेरी मच, ये कौन आया, अच्छा आ गया, वेरी गुड, आई लव यू, सो सर खुशबू जी थैंक यू सो मच, ओके सर क्या बात है, देखो आप सारे ही आपके लिए तालियां हैं, आपके लिए सारे मैसेज आ रहे हैं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि टाइम भी हो चुका है, मैं फटाफट से अपना ना दो क्वेश्चन लूंगा अभी फटाफट से, तो आपको आंसर देने हैं अभी, लेकिन पहले उससे पहले मैं पोजीशन बता दूं, पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था वंश ने, दूसरे क्वेश्चन का आंसर तीन लोगों ने दिया था, वंश,
शालिनी सिंगल जी, निर्मल सिंह जी, और तीसरे का आंसर जीरो ने दिया था। मैंने पहले ही बोला था, मैं आज थोड़ा सा टफ लेकर आया हूँ, ऐसे मैं किसी को जीतने नहीं दूंगा आज, ठीक है। बट चौथा और ये वाला भी थोड़ा सा रिलेटेड हमारे गाने से ही है, तो प्लीज हैप्पी फादर से गुड मॉर्निंग कर अंजू जी, मीनाक्षी जी। ओके चलिए पवन जी, आपको आंसर पता हो मुस्कुरा देना बस, है ना, मेरे को पता चल जाएगा आपको पता है। तो आपको बताना है कि जो गाना मैं गाऊंगा उसके सिंगर्स का नाम बताना है आपको, ठीक है जी, रेडी। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार, वो असर देखो कितना इजी पूछा है मैंने, अगर ये भी नहीं बताया ना तो फिर तो जय माता दी है तुम्हारी। सबसे आंसर तन्मय सबसे पहले दे देगा, गोरम ने दे दिया, डाल दिया। अच्छा मेरा नहीं गया क्या अभी? शॉर्ट फॉर्म चल जाएगी ना उन लेजेंड्स के नाम की? नहीं मेरा आंसर डाल दिया मैंने, और मेरे हिसाब से ये आंसर सर मैं दूंगा, अगर मैं ना देखे पवन जी देंगे ये आंसर कि ये किस किस सिंगर ने गाया है। देखो मेरी ना बात सुनते नहीं है सारे के सारे, और अपना हाँ, 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 मैंने कहा ये आंसर पवन जी देंगे क्योंकि मेरी बात कोई सुनता नहीं है, कि क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, मैंने ये पूछा था इस गाने के ये गाना गाया है, और असली जवाब इसका पवन श्रीवास्तव जी देंगे। टाइम अप हो चुका है, पहले तो पहले पूरा सही आंसर जिसने दिया है वो ये किशोर कुमार मन्ना डे, गलत है। गाना महमूद साहब ने भी गाया हुआ है, महमूद साहब ने भी गाया है गाना, ये मैंने लिखा है, पर तुम्हारी स्पेलिंग गलत है बेटा। कौन सी दे नहीं लिखा तुमने, मन्नत अरे भाई रह गया, अरे यार ऐसे मत करो यार। देखो मेरे को तो हंसी तभी आ गई थी जब तूने आंसर लिख दिया था। सारे आज से ज्यादा लोगों को ये पता है कि ये गाना गाया किशोर कुमार जी और मन्ना डे जी ने, बट ये लिखना भूल जाते हैं कि उस गाने में महमूद जी भी है जिन्होंने वो गाया है गाना। जब डायलॉग बोले, डायलॉग भाई डायलॉग, फिर अमरीश पुरी का नाम नहीं आता गाने के अंदर? बिल्कुल पूरा आता है जब गाना गाओगे तो नाम आता है। भाई देखो आज मैंने टफ क्वेश्चन, मतलब है इजी बट वो हो जाएंगे टफ, है ना। एक और पूछूंगा फिर हम एक मैजिक देखेंगे, उसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इस गाने इस क्वेश्चन का भी आंसर किसी ने सही नहीं दिया। अरे सर इतना ये भाई रह गया है, ये भाई रह गया है, इतनी सी रिवायत की जाए मेरे साथ, इसीलिए बोल रहा हूँ पहले तो मेरी बात सुना करो, उसके बाद टाइपिंग आराम से देखा करो, टाइपिंग एरर हो जाएगा आपको दिक्कत हो जाएगी। पांचवा सवाल पाजी, इसके लिए थोड़ा ना 20-30 मिनट दे देना, इनको गूगल करना पड़ेगा। ओके मेरे अगला सवाल ध्यान से सुनना, अरशद वारसी की पहली मूवी का क्या नाम था? अरशद वारसी, ये पता है, ऐसे वाला सर आया था और बड़ा प्यारा गाना है, क्योंकि अगर वो गाना किसी को पता होगा तो वो गाना भी बताना, मेरा फेवरेट गाना था वो, उसमें एक बड़ा ही प्यारा एक्टर था जिसके बड़े लंबे लंबे बाल थे, ये क्या बात है लड़के, तू जीत गया, वाह। आजकल गूगल भी बड़ी जल्दी हो रहा है भाई साहब। माय फेवरेट एक्टर अरशद सर, वाह वेरी गुड बेटा। फिर ये भी बता दो उनकी दूसरी फिल्म कौन सी थी। नहीं अगर बता दो पता नहीं वाली। टाइम अप गूगल नहीं मुझे अच्छे से पता, गूगल ही हुआ है ये अच्छे अच्छे को नहीं बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले जिसने सही दिया वो है गुरहम गुप्ता। ओए ओए मेरा भाई, और
उसके बाद सही आंसर वंश, वंश का आया है, एंड उसके बाद मेरे ख्याल से शालिनी जी का भी आया है, शालिनी सिंगल। इसका तो आंसर कई लोगों ने सही दिया है, मेरे को ये समझ में नहीं आया, इतने तगड़े फैन है सारे के सारे अरशद वारसी के। अच्छा अरशद, उसका एक गाना सुना दो, तेरे मेरे सपने के लिए यारों के दिल मिले, गुरम आता है? पवन जी आपको तो आता ही होगा, क्योंकि जिसके पास 32-35 आवाजें हो वो आदमी तो ये गाना नाच गाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस मूवी में चंद्रचूड़ सिंह भी थे, याद है आपको? इस फिल्म में वो स्वाइप कर लेते, अमीर आदमी गरीब हो जाता है, गरीब आदमी अमीर हो जाता है, जैसे कि मैं गरीब आदमी, मैं पवन भैया की जगह ले लूंगा, फिर वो मेरी जगह ले लेंगे, ऐसा बोलना है। बट मैं चाहूंगा अब एक मैजिक की बारी है, क्योंकि जिन्होंने भी सही आंसर दिए वेरी गुड, एक और क्वेश्चन के बाद हम लोग बताएंगे कि लीड कौन कर रहा है और कौन पीछे कौन आ गया। अमर सिंह जी ने भी आंसर सही दिया है, बट 125 मिनट बाद चलेगा। पाजी दे तो बहुत, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये पवन जी देख रहे थे, आप राइट टाइम पे आए थे, तो मैं इंटरनेट स्लो होगा शायद, सही था, राइट टाइम था इनका, ठीक है फिर, ठीक है। अच्छा ये आदमी कमेंट बॉक्स में जाके कर रहा है, प्राइवेट चैट में नहीं कर रहा, ये देख लो पहले। मैं दूसरा फोन यूज कर रहा हूँ अपना, ये मैं अपना दूसरा फोन यूज कर रहा हूँ, इसीलिए भगवान करे मेरे पास एक ही फोन है, दो फोन होते तो पता चलता मेरा एक फोन इधर रह गया, वो बीबी ने देख लिया, फिर बीबी मेरे को अलग से धो रही है, इसलिए मैं एक ही फोन रखता हूँ। चलो भाई मैजिक हो जाए, भाई एक चीज दिखाता हूँ आपको मैं, कुछ मेंटल इनसे रिलेटेड रहेगा, हमारे माइंड से रिलेटेड। एक नॉर्मल सा स्क्रू है मेरे पास, आपको दिखाऊं तो, एक नट जिसको हम लोग नट और बोल्ट बोलते हैं, और इसको खोलने का तरीका भाजी कुछ ऐसे ही होता है, खुलता ही नहीं, साला घूमता ही चला जाता है ये, इसमें काफी टाइम लगता है, एक नॉर्मल सा स्क्रू है ये, इसको टाइट करने का भी तरीका कुछ ऐसे ही होता है, बट भाजी कुछ मैजिक से रिलेटेड हम करें तो माइंड से रिलेटेड, उसको टाइट कर लेते हैं पहले एक बार, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है पाजी। अब पाजी ये होता क्या है, इसमें हम कैसे अपने माइंड की पावर यूज करते हैं देखते हैं एक बार। ध्यान देना पाजी इस पे, बोर्ड बोलते हैं इसको, पाजी मैं एक बात पूछूंगा, ये तुमने हाथ, तुम कह रहे हो माइंड, तुम हाथ से ऐसे ऐसे उंगली घुमा रहे थे बाहर से, पाजी मैं चलो इस बार उंगली भी नहीं घुमा रहा, इसको ऐसे रख रहा हूँ यहाँ पे मैं, सिर्फ देखता रहूंगा, आप देखते रहने के बाद जरा, ध्यान देना, मैं इस आदमी से नहीं मिलूंगा भाई, ये आंखें दिखा के कुछ भी कर लेगा, पता चले मेरे को घुमा रहा है आदमी, मैं नहीं मिलूंगा इससे, मैंने मिलना ही नहीं है, पहले तो एक बार जरा जो घरों में बैठे आप एक बार जोरदार तालियां होता यार अमर भाई के लिए यार, यार। ये वाला जो तुम करते हो ना, एक तो तुमने जो बॉले बना के तुमने पहले तो तीन निकाली, तीन के बाद तुमने दिल बनाया, मैं उसका कायल हूँ, जो एक से दूसरी चीज कर देते हो ना तुम, ये आदमी अभी नोट भी बनाएगा देखना, और कौन सा नोट भी बता देना पहले। गुंजन सबसे बड़ी चीज ये है कि अमर को तो कहाँ कहाँ भेजना चाहिए, जहां पे कोई मिस हैपनिंग हो जाए कि कार ट्रक या कुछ खाई में चला गया, इसको वहां भेज दो, आंखों से देखेगा वापस ऊपर ले आए। पाजी मैं अपनी गाड़ी के टायर कभी कभी ऐसे खोल लेता हूँ, कभी मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता ना, मुझे चेंज करना होता तो मैं ऐसे खोलता हूँ, मेरे को बिना पाने के चले, मेरे को पाना चाहिए उसके लिए। इधर ये आदमी नट खोल लेता है, इधर हमारी टोपी नहीं उतर रही अपने आप,
यार ऐसे बताओ, तुम नजरों से ऐसे कर करके मेरी टोपी उतार सकते हो? पहले ये बताओ गुंजन पापा जी, एक काम करो, चश्मा दो अपना मुझे। मैं पागल हूँ, कहाँ से दूँ? ओ कहाँ से हो गया। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं काम करता हूँ, अपना ले लेता हूँ फिर मैं। हाँ अपना अपना यूज करो बिल्ली सारे। और जरा यहाँ पे देखना दो सेकंड, जरा ये चश्मा यहाँ पे रख दिया मैंने। हमारा एक सेकंड, अब ये पाजी जैसे मैंने बोला कि आपका चश्मा चाहिए था मुझे, आपने दिया नहीं, लेकिन इतना लिया मैंने, नॉर्मल है ये यहाँ रखा हुआ है। एंड कहते हैं कि नजरों से कैसे काम होता है, देखना पाजी एक बार। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये आदमी मेरे को दिख गया, मैंने अपनी गाड़ी घुमा लेनी है, पता चले इसने नजरों से टायर के नट वट खोल दिए, मैं गिर पड़ूंगा भाई साहब। एक बार दोबारा क्वेश्चन करते हैं इसको। यार तुमने मेरे को लग रहा है तुमने आंखों से नहीं, तुम हाथों से घुमा रहे हो। हाथ हाथ से बट कैसे, कुछ नॉर्मल सा है ये कुछ में। ये यार ये एक बार पहले इस बार हाथ भी नहीं लाऊंगा अपने, ध्यान दो। मैं सर ऐसे बैठा रहूंगा बस। तुम गर्दनों से खेले जा रहे हो, खामा खामे दर्द जाएगा मेरे। पाजी एक काम करो, इस ये आदमी को मैंने बोला था मेरे को कुछ एक जादू सिखा दो जिससे पैसे डबल होते हैं, बस वही नहीं सिखाया इन्होंने मेरे को, बड़ा मतलब। मैंने तो यार किस्ते भी जानी, बट मैं आगे बढ़ूंगा। बट पाजी ब्रेक लेना है हमने क्योंकि टाइम भी हो रहा है, या फिर हम लोग कंटिन्यू करें, क्या करना है? ब्रेक ब्रेक ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक मिनट का डेढ़ मिनट का, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि आपको मिल रहा है मौका लखपति करोड़पति नहीं बनने का, क्योंकि हम लोग का अमाउंट छोटा है, ठीक है? तो प्लीज ब्रेक के बाद पैसे बना के दिखाएंगे। ओके चलो ब्रेक के बाद पैसे बनेंगे, रेडी। सो ये एशियन शूज की तरफ से गिफ्ट आया है। सो मैं आपको कह रहा था ना शूज बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो हैं पर मेरे, मेरा टशन मेरा एशियन। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे, तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। शो योर लव, शो योर केयर, शो योर वार्मथ विद कोको फोम प्रीमियम रेंज ऑफ होम फर्निशिंग्स।
भाई वेलकम बैक है आपका एंटरटेनमेंट विद गुंजन सक्सेना प्रेजेंटेड बाय एस म्यूजिक मेकर टीवी पवन श्रीवास्तव जी एंड ऑल द स्पॉन्सर्स एशियन फुटवेयर बिजी बिजनेस सॉल्यूशन कोको फॉर्म एंड फ्लोरेट एंड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं एंड वंस अगेन आप सभी को हैप्पी फादर्स डे हैप्पी पिताश्री डे हैप्पी चप्पल डे क्योंकि पिताश्री ने हमेशा चप्पल ही पहनी है दबादब बट मेरे पापा ने मेरे को कभी नहीं मारा एक बार छाती पे घुसंड मारा था आज तक दर्द होता है उसके अलावा उन्होंने फिर मारा नहीं ना पता चले बच्चे को और आफत आ जाए इसलिए एक ही बार मारा था उन्होंने मुझे चलो मैं ना पढ़ा क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है टाइम भी हो रहा है मेरा लैपटॉप की बैटरी भी जाने वाली है तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ठीक है पहले एक बार बैटरी चेक कर लूँ नहीं तो फिर मैं बोलता हूँ जरा ओके अभी आधा घंटा चलो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सभी जल्दी से जल्दी फटाफट से जरा थंब डाल दो मेरे को जल्दी जल्दी थंब डाल दो क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन आने वाला है छठा क्वेश्चन यानी कि सिक्स रेडी इंडियन डायनमो भाई अमर सिंह वाह क्या बात है संजय गुज्जर जी ने आपके लिए बड़ा प्यारा कमर इंडियन क्या भारी वेलकम इन्होंने मतलब डायनामाइट से रिलेटेड आपको डायनमो कर दिया ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं मिलेंगे इनसे भी बहुत चाहते हैं पक्का चलिए तो मेरा सिक्स क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल रेडी रहना सारे के सारे उसके लिए शाहरुख खान जी द वेरी फेमस वेरी सुपरस्टार शाहरुख खान जी ने एक मूवी में बाबरची यानी कि शेफ का रोल किया है नाम बताओ मूवी का जल्दी से वो कौन सी मूवी है जिसमें शाहरुख खान जी ने शेफ यानी कि बाबरची का काम करा है जल्दी से टाइप करो कमेंट करो आंसर लिखो जिसका नेट स्लो चल रहा है माफी चाहेंगे उनके लिए तुम्हारे तो फिर आंसर भी नहीं आने वाले गुरुम गुप्ता ओके मेरा आंसर सबको सुनाई दिया है या मैं पहुंचा नहीं है रायमा जी वेरी गुड करुणा कदम जी वेरी गुड शालिनी सिंगल जी वेरी गुड अरे वंश शर्मा वेरी गुड भाई सबके आंसर सही है मैं बताऊंगा किसका सही है जब पवन जी बताएंगे कि टाइम हो गया पवन जी आप आगे रहा करो पीछे मत जाया करो अच्छा नहीं लगता है पीछे जाना सामने रहा करो एकदम बढ़िया लगते हो बबलू चौधरी ये कहां लेकर आए हो ये कौन सी फिल्म का नाम है टाइम अप तो पहले तो मैं बता दूं इसका आंसर है वो है डुप्लीकेट जिसमें डबल रोल था जिसमें शाहरुख खान जी ने एक में चले गए नहीं गए आ गए आ गए आ गए आ गए वापस आ गए सबको दिखाई दे रहा हूँ सुनाई दे रहा हूँ मैं अब आ गए हुआ क्या मैंने बोला बैटरी लो है वो लो नहीं बिल्कुल ही खत्म हो गई थी वो मेरे को ऐसी बातें पसंद ही नहीं आती इसलिए कहते हैं भगवान का शुक्र है फोन भी अपने साथ है इसलिए बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है वाह अब ठीक है तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर था डुप्लीकेट तो पवन जी को पता चल गया कौन कौन जीता हुआ है कौन कौन किसने क्या करा है तो मैं अब मोबाइल से हूं तो प्लीज देख लेना वंश इज राइट एंड शालिनी सिंगल जी राइट क्योंकि अब मुझे आपके कमेंट दिखेंगे तो दिखाओगे मुझे अब कुछ नहीं दिखाई देगा ओके जी मेरा दूसरा वाला जो है बड़ा टफ क्वेश्चन है अमरपा जी बड़ा प्यारा मैं एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन और लूंगा सातवां तो जल्दी जल्दी से जरा अपने जो है ना थंब दिखा दो सारे के सारे थंब ऐसे करके थंब दिखा दो सारे के सारे वेरी गुड जल्दी जल्दी से जरा दिखा दो वेरी नाइस मेरे को सबसे प्यारे ऑडियंस जो है ना हमारी ऑडियंस जो हमारी बैठी हुई है इस वक्त वो भी ऐसे करके थम करती है ना वो दिल खुश हो जाता है मेरा वाव कैमरा किधर है ओए ठीक है चलो जी अच्छा मैं आप दोनों से पूछता हूँ आलिया भट्ट की पहली फिल्म कौन सी थी
चिल्ड्रन ऑफ द ईयर। वेरी गुड। अब आपको सवाल इसी से रिलेटेड है कि आलिया भट्ट की पहली कौन सी फिल्म है जिसमें उन्होंने फर्स्ट अपीयरेंस दी थी बॉलीवुड के अंदर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। आलिया भट्ट की पहली मूवी जिसमें उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का काम करा था, बड़ी प्यारी मूवी थी वो, पता नहीं जल्दी से बताओ मुझे। हाँ ये हुई ना बात, सच बोलो अच्छा रहेगा। बहुत लोग मेरे को ना ये ना 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 ये गुरम गुप्ता ये जो आंखें जो तू घुमा के मम्मी की तरफ देख रहा है और जो टाइपिंग हो रही है ना भगवान की कसम पवन जी मैं बता रहा हूँ ये लड़का नैनो के बाण चला रहा है अपने कहीं और, ये गूगल कर रहा है लाइव, इसे कहते हैं लाइव गूगल पे चीटिंग करना। आंसर वहीं से आ रहे हैं इनके। मैं आपको सब बता देता हूँ ये एज हुआ कैसे पड़ा है, फिर वही बात मैं आपको सब बता रहा हूँ इस मूवी की हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं। 1999 की मूवी है, इसमें और भी लोग थे, अक्षय कुमार थे शायद और शायद प्रीति जिंटा और प्रीति प्रीति जिंटा इसको आलिया भट्ट याद रही, इसको अक्षय कुमार नहीं याद रहा जो पूरी फिल्म में था। मैंने बोला अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा, आप सुन क्या रहे हो? शायद 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 वो मैं याद कर रहा था ना, मैं कंफर्म बता रहा हूँ अक्षय कुमार प्रीति जिंटा। इसमें एक और आदमी भी था जो ऐसे कर रहा आशुतोष राणा, आशुतोष राणा उस फिल्म से उसकी पहचान बनी थी मालूम है। बिल्कुल 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 राइट, जिस जिसने ये आंसर सही दिया है भाई देख लेना अपने आप पवन जी। नहीं नहीं वो देख रहे हैं वो अपने आप संभाल लेंगे। ठीक है वेरी गुड, क्या बात है गौरव के लिए जोरदार तालियां। बट बाजी इसने जल्दी दिया था यानी कि गूगल नहीं कर सकता ये आदमी, क्या आपको लग रहा इसने बहुत जल्दी आंसर दिया था, ये गूगल वाला आंसर नहीं था, ये गूगल वाला नहीं था भाई। आई लव यू। चलो भाई चलो आगे बढ़ूंगा सर क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना उसमें आपको पांच आंसर लिखने हैं, एक ही सवाल में पांच आंसर लिखने हैं, समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है कि छिछोरे मूवी में सुशांत सिंह राजपूत के जो दोस्त थे उनको किस नाम से बुलाया जाता था? छिछोरे मूवी में सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों के जो नाम थे वो आपको लिखने हैं, पांच दोस्त थे उन पांचों के नाम लिखने हैं, जल्दी जल्दी लिख दो। सारे नाम लिखने एक साथ, अलग अलग लिखोगे हम नहीं कर पाएंगे। सबने एक साथ नाम लिखने हैं, जिसके भी आंसर आ रहे हैं वो फ्लैश होंगे और अब कहां चले गए मुन्नर भाई? अरे यार ये मेरे से गलती से बैक वाला बटन दब जाता है, मोबाइल में बड़ी दिक्कत है, माफी चाहूंगा पवन जी गुस्से से ना देखना। टाइम ओवर, इन्हें टाइम ओवर। तो भाई इसका सही जो आंसर है पहले मैं वो बताता हूँ फिर पवन जी बताएंगे किस किसने सही दिया। इसका सही आंसर है टेक्सा एसिड डायरेक्ट बेवड़ा और मम्मी, किस किसका ये आंसर सही है? अब पवन जी आप बता दो किस किसने आंसर सही दिया। शालिनी सिंघल वेरी गुड, अन्नी, हाँ ठीक है अन्नी भी नाम था उसका बट मैंने सुशांत सिंह के पांच दोस्तों का नाम पूछा था वो आपने बिल्कुल ठीक दिया है, सेक्सा एसिड डायरेक्ट मम्मी बेवड़ा। मैंने दिया है पहले, चल तुम चिल्ला के बोलोगे तो तुम पहले। फर्स्ट नंबर पे शालिनी सिंघल, सेकंड नंबर पे बुरहम, थर्ड नंबर पे वंश। वेरी गुड, ये मेरे को तीन हीरे मिले हुए हैं जबरदस्त। बस गुरैम का नेट वीक हो गया बीच में, वो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, लड़का बड़ा तेज है ये पैदल भागता है ना तब भी ये सबसे पीछे रहता है ये। वाह वाह वाह, नहीं मैजिक तो मेरा अच्छा नौवा सवाल आने से पहले एक मैजिक हो जाए उसके बाद मेरे दोनों सवाल इकट्ठे आएंगे और उसके बाद हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे और बाय बाय करेंगे टाटा करेंगे, मेरे को बड़ी भूख लग रही है।
तो पाजी जैसे मैंने अपना वादा किया था कि अगला मैजिक जो रहेगा वो आपका नोट से रिलेटेड रहेगा, पैसों से रिलेटेड रहेगा, तो मेरे पास जैसे कि मैं आपको दिखाऊं एक 10 रुपए का नोट, बिल्कुल 10 रुपए का नोट है भाई, और स्लीव्स अगर मैं दिखाऊं तो स्लीव्स मेरी कंप्लीटली पूरी ऊपर है यहाँ पे, एंड दोनों के दोनों हाथ खाली है पाजी, इस नोट के अलावा कुछ और नहीं है मेरे पास, 10 रुपए का नोट है जो आपको मैं बोथ साइड दिखा रहा हूँ, दोनों साइड से, ठीक है? अब ध्यान देना, आपने अपनी पलके झपकनी भी नहीं, 2 मिनट आपने, मेरी वैसी नहीं झपकती तुम्हारी बारी में, तो सीधे के सीधे तुमने 65 रुपए बढ़ा दिए। अच्छा ये तो $2 है, 10 की जगह 2 यानी कि 150 बढ़ा दिए तुमने, तो 150 10 के 150। अच्छा मैंने भी ना एक बार ऐसे ना नोट मोड़ तोड़ के घुमाने की कोशिश करी थी, साला नोट ही फट गया था वो। नहीं आपने वो गलत घुमाया वो पाजी, तरीका होता घुमाने का इसका, इसका देखो तरीका क्या है, सीख लो पहले। हां एक बार मैं सिखाता हूं। एक नोट लेना है आपने कोई सा भी, ठीक है? इसका जो तरीका होता है पाजी, वो पहला लेफ्ट होल्ड होता है आपके हाथ के लेफ्ट, आपका लेफ्ट, उसको लेफ्ट से हाथ हाफ फोल्ड, हाफ फोल्ड कर दो। ओके ऐसे करके मेरे पास नोट भी नहीं है। हाँ जी, आपका लेफ्ट हो जाएगा जो भी करेगा। उसके बाद में टॉप फोल्ड लेना है आपने, ऊपर से टॉप फोल्ड ऐसे, उसके बाद फिर से लेफ्ट फोल्ड, फिर से लेफ्ट फोल्ड, फिर से लेफ्ट फोल्ड। हाँ जी, ये फिर से लेफ्ट फोल्ड लेना है, उसके बाद फिर से आपने टॉप फोल्ड लेना है, इसको फिर से टॉप फोल्ड, टॉप फोल्ड, एक ऐसे स्नैप करना है, एक चुटकी बजानी है, उसके ऐसे घुमा देना है, और ये फिर से मैजिक कंप्लीट हो जाता है, ये फिर से नोट बदल जाता है। वो ये कहां का है 5 लाख का नोट बाजी? इसका 50,000 इंडोनेशियन रुपया। अच्छा 50,000, इसकी पेप्सी मिलती है वहां पर बस? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बताओ, फिर से 50,000 की पेप्सी, इंडोनेशियन रुपया। तुम्हारा भाई भी गया हुआ, टेंशन नहीं, मैं बता दूं आपको। अच्छा पाजी, इस समय जो कोरोना कोरोना आया हुआ है वो पूरे विश्व में सबको परेशान कर रखा है, और जहां से आया है वो उस देश का नाम है चाइना। नाम तो मतलब पाजी, नाम नहीं ले रहा मैं, क्योंकि ऐसी जगह का नाम लेना भी बेकार लग रहा है मुझे। तो एक बार दिखाता हूँ आपको दोबारा, मैं इसको मैं दोबारा से फोल्ड करता हूँ यहाँ पे मैं, और मैंने सुसल फूक मारी और दोबारा घुमाया, इट्स अ कन्वर्ट इनटू 100 आरएमबी। पहले तुमने 10 रुपए का नोट बदला डॉलर में, उसके बाद तुमने बदला इंडोनेशियन में, उसके बाद तुमने बदला चाइना में, चाइना में। तो ये इतने सारे पैसे लाते कहां से हो? मैजिक से। वेरी गुड यार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए घर बैठे हुए जितने भी हमारे गेस्ट हैं, एक बार थंब कर दे जरा जल्दी से इनके लिए, और क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, मेरी ना बीच बीच में कमजोरी की वजह से ना बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बता दूं आपको, मेरा ना अपना ना मेरा ट्यूशन सेंटर था, मैं ना बच्चों को, छोटे बच्चों को ना गालियां वालियां सिखाता था, मेरे मुंह से कभी कभार निकल जाती है, तो मैं जब सिखाता था कभी कभार निकल जाती है, जब मैं सिखाता था ना, जब मैं पैसे मांगता था, बच्चे इतने शरारती होते थे, वो मेरे को देके चले जाते थे, इसीलिए मेरी ऐसी हालत हो गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने ऐसे काम बंद कर दिए। बट जाते जाते की बात है, तो मैं एक काम बताऊंगा आपको, ओरिजिनल गुंजन सक्सेना भी बाहर आ जाए। ओ माय गॉड, ओ यार गर्मी बड़ी लग रही थी, मैंने कहा यार 2 क्वेश्चन में इसी में पूछूंगा यार, 1 घंटे का शो नहीं होता, मेरी 15 मिनट की एंट्री होती है एक भाई, यानी पारी गंगा देवी शक्तिमान है। ओए होए भाई, सॉरी यार गर्मी बहुत थी, सॉरी। तो गाइस मैंने थोड़ा सा अपना ऐसा वाला रूप ले लिया क्योंकि बहुत जरूरी था भाई, तो मेरे दो सवाल रह गए हैं। बोलो बोलो। मैं गंगा देवी शक्तिमान, गंगा देवी शक्तिमान है। हां गंगा देवी शक्तिमान है, और इस वक्त कपड़े भी शक्तिमान वाले पहन रखे, तुम्हारा भाई घूम के भी दिखाएगा अभी शक्तिमान। बट जोक से बाट, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, 9 और 10 नंबर, तो जल्दी से आप लोगों ने आंसर देना है, 15 सेकंड का टाइम होगा आप दोनों के लिए एंड सारी ऑडियंस के लिए, जल्दी से थंब भेजो। 9 और 10th के लिए कौन कौन रेडी है? डन, जल्दी 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 रेडी। तो मेरा जो है
निर्मल सिंह जी ने बहुत अच्छा कमेंट करा है कि अमर जी हमारे भी नोट डॉलर में कन्वर्ट कर दो थोड़े से, तो पाजी वो भी होंगे, जरूर होंगे, टेंशन नहीं है। चलिए मेरे को थम आ चुके हैं यहाँ पर, मैं आपसे नौवां क्वेश्चन यानी कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं, गौर से सुनना बाद में दिक्कत हो जाएगी। दबंग सीरीज में सलमान खान का असली नाम क्या है, पूरा असली नाम क्या है दबंग सीरीज में? अब जिसने ये मूवी शुरू से लेके एंड तक देखी है उसे जरूर पता होगा, तो प्लीज कमेंट करें। और इसका आंसर जब 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 इसका आंसर खत्म होगा मैं बताऊंगा इसका आंसर, इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि सवाल बहुत इजी में गलती मत करना। टाइम अप है मेरे ख्याल से, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। पवन जी एक बार सामने आके बता दो, देख रहे टाइम अप हो गया, बोला तो है किसकी किसकी आंसर आए सही। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, राइट 15 सेकंड हो चुके हैं। इसका सही आंसर कौन बताएगा गुरम, क्या है इसका सही आंसर? रॉबिन हुड पांडे। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आ रही है भाई। रॉबिन हुड पांडे। नहीं, इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है धाकड़ चंद पांडे उर्फ चुलबुल पांडे। ओहो वाह क्या बात है, धाकड़ चंद पांडे, क्योंकि ये थर्ड मूवी में, ये दबंग की तीसरी मूवी में उसका नाम रिवील हुआ था, और मैंने यही बोला था कि प्लीज जिसने भी ये सीरीज बोली थी दबंग सीरीज, आप लोग क्वेश्चन सुनते नहीं हो, मैंने यही बोला था दबंग सीरीज में सलमान खान का नाम क्या था, सबको लगा अरे चुलबुल था, अरे वो ऐसे ऐसे भी करता है, तो वो फटाफट लोगों ने डाल दिया। कोई बात नहीं, जिसका सही आंसर है वो मिल गया है फटाफट सबने चुलबुल कर दिया था। अच्छा मैं एक चीज बता दूं कि सिर्फ वंश का सही आंसर था इसमें। क्या बात है, वंश के लिए तालियां। लेकिन एक चीज और है कि हमने एक चीज बोली थी कि फर्स्ट प्राइज जो है 250 पेटीएम कैश का है, वो आंसर देने के लिए, वो सर एक क्वेश्चन रह गया अभी, जीतने के लिए मिनिमम 5 क्वेश्चंस के आंसर सही होने चाहिए और सबसे पहले वो देने पड़ेंगे। सबसे पहले अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन से पहले, हाँ मैं बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन से पहले शालिनी सिंघल जी ने सबसे पहला सही आंसर एक बार दिया है, बुरहम गुप्ता ने 2 बार सबसे पहला सही आंसर दिया है, लेकिन जो लीड कर रहे हैं वो है वंश ने 4 बार सही आंसर पहली बार दिया है। तो मतलब अगर अगला आंसर सबसे पहले वंश ने दे दिया तो उसको प्राइज मिलेगा। गुरु भी पीछे नहीं है, मेरा टेंशन क्या ले रहे, गुरु मेरा गुरु भी आ गया है। लेकिन अगर वंश ने लेट कर दिया अच्छा, आंसर एंड वाला बहुत इजी है, टेंशन ना लो, एंड वाला बहुत इजी है, लेकिन लास्ट आंसर वंश ने अगर लेट कर दिया देना तो प्राइज किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 सही आंसर नहीं आएंगे हमारे पास, तो सेकंड और थर्ड प्राइज हो जाएगा ना वो, तो फिर नहीं भाई मैं नहीं मेरी बात सुनो, हम ऐसी पार्शियलिटी करेंगे नहीं, हम फिर देखेंगे कि भाई किसके आंसर ठीक है, ऐसे ना करो वंश जी, आप ही दो ही आंसर तो हम देंगे ही नहीं जानबूझ के। क्योंकि हमने कुछ टफ भी रखा था, थोड़ा मेरा नेट थोड़ा इशू आ रहा है, थोड़ा मैं माफी चाहूंगा सबसे, थोड़ा नेट का इशू भी है, थोड़ा सा मेरा नेट का इशू आ रहा है गाइस, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्वेश्चन मेरी वॉइस क्लियर है, एक बार देखें, बिल्कुल क्लियर है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर भी आएगा,
गौर से सुनना, अगर आवाज क्लियर नहीं होगी दोबारा बोलूंगा। ओके, मूवी फुकरे के चारों एक्टरों का नाम बताओ, फुकरे मूवी के चारों एक्टरों का नाम बताओ जो ऑन स्क्रीन थे, फुकरे मूवी के चारों एक्टरों का नाम, रियल नेम बताने हैं या जो उनके लीड में चार कैरेक्टर थे, चारों का नाम, जो कैरेक्टर नेम थे, रियल नेम तो कभी नहीं किसी का पूछा मैंने, कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर नेम, कभी भी रियल नेम नहीं पूछूंगा मैं। ऐ लड़का, मुझे तो एक ही कैरेक्टर याद है उसमें का बस। क्या बात है, क्या बात है सर, टाइम अप होएगा तो मेरे को बताना सर, इनके नाम लेने में मेरे को बड़ा मजा आएगा। मुझे तो एक कैरेक्टर का नाम याद है बस पाजी इसमें। टाइम अप। बताओ बताओ अमर पाजी। चूचा। वो मुझे पता था, चूचा सबको याद होगा, और किसी का नाम याद नहीं था, एक और था वो सुधार, एक का नाम था चूचा, लाली, 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 चूचा, लाली, जफर भाई, जफर मतलब जफर, और तीसरा था भाई हन्नी, मेरे को ना एक सपना आया, मैंने देखो तेरे को ना कुत्ते ने काट लिया था, फिर तेरा भाई आया। जबरदस्त वाली। एक्चुअली में जब मैं ये वाला क्वेश्चन लिख, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था ना, तब मेरे को एकदम से एंड में ना फुकरे दिखाई दी थी, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक चीज बताता हूँ, बाकी सब तो ठीक है, हन्नी, चूचा, जफर, जो चौथा नाम है उसकी स्पेलिंग सही क्या है? चूचे की, लाली, लाली, लाली की, एल ए डबल एल आई, एल ए एल आई है सर, एल ए एल आई, एल ए डबल एल आई, लाली, एल ए एल आई। मम्मी को मत देख गुरु, मम्मी को मत देख, मम्मी को मत देख, मम्मी ने सही बताया था, तूने गलत लिखा है। नहीं नहीं, मम्मी नहीं बैठी यहाँ पे, मम्मी नहीं बैठी यहाँ पे, मम्मी नहीं बैठी यहाँ पे, मैं तो ही बैठा हूँ, मैं देख किसी को नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पर देख रहा हूँ, मैं एल ए एल आई पे टिका हुआ हूँ। मैं बता देता हूँ सर, रिवील कर दो सर, एल ए एल आई। अंजोत का जो नाम था वो था लाली, और उसकी सही स्पेलिंग है एल ए एल आई, एल ए एल आई। क्या बात है, तो इसीलिए जितनों भी आंसर सही आए, अब फोन में कंफ्यूज कर दिया बीच में, हनी का आंसर गलत है, शाली ने डबल एल आई लिखा, वंश ने लिखा डबल एल आई, वो गलत आंसर है, लेकिन सबसे पहले जो सही आंसर आया वो आया गुरहम का। वेरी गुड, क्या बात है मेरा भाई, क्या बात है। तो सर फाइनल एक बार आंसर भी बता दो। सेकंड जो सही आंसर आया वो आया शालिनी सिंगल। वेरी गुड। बन्नी सर गलत लिखा है, हनी नाम था, बन्नी लिखा है, गलत है। बन्नी गलत है सर, हनी है, बन्नी नहीं है। मैंने तो एच पढ़ा, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल गलत आंसर। लाली के ये टाइपिंग एरर, ये टाइपिंग एरर ही मरवा देता है बाबा। पर सर लाली की जो स्पेलिंग थी, जो मूवी के अंदर जो लाली की स्पेलिंग थी, वो एल ए डबल एल आई था, एल ए एल आई, एल ए एल आई। चलो माँ ने गलत लिख लियो। ओ कंजे, बाने तो देखो हैंड टू हैंड लिख दिया था, ऑटो करेक्ट हुआ है। देख रहे हो, बाने कद्दो तो बाद में जा, में जाके जाको हन्नी से बन्नी हो जाएगा, मतलब एच टाइप करोगे वो बी हो जाएगा। बाने भी देखो कितने जबरदस्त है,
जे हमारे तन में ही तो है जो कौन है। हाँ बिल्कुल तन में मालूम है मोको। एक ये जो मम्मियों की आईडी से आते हैं ना, भगवान के लिए मम्मियों की आईडी से मत आया करो। आज फादर डे था, पापा की आईडी से आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज के हमारे जो विनर्स हैं वो उसके बारे में पवन भैया बता दो। कोई बात नहीं, पांच आंसर से कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर जिसके सबसे ज्यादा है उसको फर्स्ट, जिसके कम है उसको सेकंड, और जिसके कम है उसको थर्ड हम लोग रखेंगे। तो पवन जी रिवील करें कि कौन है हमारे विनर जो कि आए हैं थर्ड थर्ड पोजिशन। दो किसी ने भी नहीं दिए थे, दो आंसर तो किसी ने भी नहीं दिए थे। उसके अलावा तो कोई, उसके अलावा दो क्वेश्चन पूछने क्या? नहीं ना, कोई फायदा तो नहीं। आठ आठ जो सही थे जवाब, उनमें से जो सबसे पहला सही आंसर आया था तो वो शालिनी सिंगल एक, गुरम गुप्ता तीन, वंश शर्मा चार। अब लेकिन अगर ओवरऑल हम राइट आंसर देखें सर, इतने कॉम्प्लिकेटेड मत हो जाया करो, जिसके सही है उसको सही कर दिया करो, इतना मत जाया करो। हो तो रहा हूँ एकदम, तुम ना ऐसे अमिताभ बच्चन वाली लुक दे देते हो ना, हाँ देखिए देवियों सज्जनों आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही था, बट हम आपको बताएंगे नहीं कि आपने सही दिया कि नहीं दिया। तुम कमाल करते भाई, जो तुम लेकिन डालते हो ना बीच में, लेकिन जो ऐसे आते ना लेकिन, अरे बता दो भाई हमारे विनर कौन है और हम अनाउंस करें। तो खाना बनाने की बहुत जल्दी हो रही है पाजी, आपको पता नहीं, मैं खुद बनाना पड़ता है, फिर बीवी को खिलाना पड़ता है, फिर बर्तन मांजने पड़ते हैं, फिर खाना पड़ता है। कितना सस्पेंस बना हुआ है ना। सो जो सही आंसर थे, एक दो तीन चार पांच, ओके चार सही आंसर दिए गुरम गुप्ता ने। क्या बात है लड़के, यानी 100 रुपए का थर्ड प्राइज जीता है गुरम गुप्ता ने। क्या बात है, चार नहीं मैंने ज्यादा दिए, मैंने ज्यादा आंसर दिए, रुको बाबू तुमने दिए तो बहुत सारे, दो तीन चार पांच छह आंसर दिए मैंने सही, जो सही थे। स्पेलिंग गलत थी, स्पेलिंग स्पेलिंग, आप स्पेलिंग देख रहे हो क्या? चलो ठीक है। उसके ये देखो एक नया बहाना, एच के नीचे होता है बी, तो ऑटो करेक्ट को ये पता है कि हाथ एच के नीचे बी है, अपना हाथ गलत लग गया तो हम क्या करें, ऑटो करेक्ट होता है। तन में कोई बात नहीं, तन में कोई बात नहीं, कंट्रोल। अच्छा वंश ने भी लिखा मेरा भी ऑटो करेक्ट ऐसा है, मैं पेटीएम जो करूंगा वो भी ऑटो करेक्ट से मेरे पास और तुम्हारे पास आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी अभी इनके जो आंसर आ रहे हैं उसमें कोई ऑटो करेक्शन नहीं हो रही है। अरे सर छोड़ो, बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। सो सेकंड किसको जाता है? सबसे पहले तो गुरम गुप्ता ने जीते ये। क्या बात है, गुरम गुप्ता ने जीता है 100 रुपीज पेटीएम कैश, और बहुत बहुत मुबारकबाद गुरम। सही आंसर आए हैं वो आए हैं पांच, पांच सही आंसर दिए हैं, और वो सही आंसर जो दिए हैं वो दिए हैं इन्होंने, शालिनी सिंगल जी, मुबारक हो तन में, डिंक टकरे टक टकरे डिंक टकरे, और 150 पेटीएम, मुबारक हो।
लड़का कमा गया, लड़का पहली बारी में भी जीत गया था। नहीं ऐसा है, जिसकी आईडी है उसी को मिलेंगे। ये जो बात कही है ना आपने, दिल खुश कर दिया। जियो जियो। और जो आज क्या हमारे विनर है विद 250 पेटीएम, विनर के थे 6 सही आंसर और वो है ये। शर्मा साहब मुबारक हो आपको, और जीते हैं और मजा आ गया जी। बट गुरुम मेरे को पता क्या था, सबसे जल्दी किसी का आंसर आ रहा था ना वो गुरुम गुप्ता था, बट ये था ये जल्दबाजी में इसने अपने ना दो गलत कर दिए, विनर ये होता। कोई नहीं, क्योंकि महमूद वाला जो आंसर था वो इसने दिया था, सिर्फ इसकी स्पेलिंग की वजह से गलत हुआ है, मालूम है। वो गाना मेरी लाइफ का ऐसा गाना है जो सर ने मेरे को घुट्टी बना के पिला रखा है, तो अब उसका भी सही आंसर नहीं दूंगा तो क्या ही होगा। वो गाना मेरा भी फेवरेट है, तेरे भाई ने कब दुबई में इतना रगड़ा है ना वो गाना 2005 में। वाह, महमूद बनता था टोपी लगा के और पूरे आउटलेट में घूमता था। पवन भाई हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, नहीं देखो आप सिंगिंग से रिलेटेड हो, हम डांस से रिलेटेड है, बट कहीं ना कहीं कनेक्टेड हम सारे म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और हमको जोड़ के रखने वाले पिरोने वाले ये शख्स बैठे हुए हैं, पवन श्रीवास्तव जी, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल, और आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम, और हमारे सारे विनर्स को ढेर सारी बधाई, और होपफुली आगे ये जो प्राइजेस हैं इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे, बढ़ेंगे तो जरूर बताएंगे हम, टेंशन ना लो। प्राइस ज्यादा बढ़ भी सकते हैं ना कभी कभार, तो क्वेश्चन आंसर भी तो बढ़ सकते हैं। कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि बढ़ाए जाएं, हम आपको कुछ गिफ्ट्स भी देंगे। क्या बात है, क्या बात है जी। और कल मैं बताना चाहूंगा, कल रात को 8 से 9 बजे तक जो हमारा टीवी का प्रोग्राम आता है द सक्सेस स्टोरीज, उसमें कल कौन आ रहे हैं वो मैं बताता हूँ। बिल्कुल ओके, किशोर भानु साली शाले जी, जूनियर देवानल जी, और हमारे होस्ट हैं सुशील दयाल जी, चीफ पैटर्न है, लाइव ब्रॉडकास्ट है कल 8 से 9 का मंडे को, तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी उन्हीं की होती है जो सक्सेस पा सकते हैं, या जिन्होंने पाई होती है और जिन्होंने को पाना है, तो प्लीज आप सभी जुड़िएगा 8 से 9 एस म्यूजिक मेकर टीवी की ओर से, और आप सबके साथ खूब सारी मजा। अच्छा एक और एक मैजिक लास्ट जाते जाते एक मैजिक होगा, गुंजन एक चीज बताना चाहूंगा कि किशोर भानुशाली जी जो जूनियर देवानंद के नाम से तो पहले फेमस रहे हैं, लेकिन भाभी जी घर पे हैं और हप्पू सिंह की उल्टन पलटन में कमिश्नर के कारण अब और ज्यादा घूम ले आए हैं, और ज्यादा फेमस हो गए, राइट। ऑलराउंडर है वो, एंकर हैं, एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, सिंगर हैं, सबसे बड़ी बात एक नायाब सिंगर हैं। तो कल के मैंने सुना हुआ है, कल के एपिसोड में उनकी लाइफ की वो स्टोरी सुनने को मिलेंगी जो मेरे अलावा कोई और शायद नहीं जानता, मतलब भाभी जी उनके घर वाले बच्चे सब जानते हैं, लेकिन ऐसी कहानियां उनकी लाइफ की सुनने को मिलेंगी जो आम जनता नहीं जानती, कि कहां से वो शुरू हुए थे और कैसे सक्सेस मिली और आज तक का वो सफर क्या रहा, तो उनकी जिंदगी के वो राज कल सुनने को मिलेंगे। बहुत जबरदस्त एपिसोड होने वाला है कल किशोर भानुशाली जी के साथ, क्योंकि कल सुबह वो हप्पू सिंह की उल्टन पलटन की शूटिंग में होंगे, वहां से जैसे ही फ्री होंगे सीधा घर जाके हमारे स्टूडियो में लाइव हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। एंड मैं तहे दिल से ना, मैं अमरपा जी आपका भी थैंक यू करना चाहूंगा, आप साथ जुड़े, गुरम आप जुड़े, एंड आपने म्यूजिक से जो चार चांद लगाए, देखो शो में ये जरूरी नहीं होता एक बंदे से चलती सारी चीजें, आप आए, आपने मैजिक दिखाया, क्वेश्चन आंसर भी करे, एक टाइम का जो था ना पता भी नहीं चला क्योंकि शो भी काफी देर तक रन हुआ है हमारा, एंड थैंक यू वेरी मच अमरपा जी। जाते जाते थैंक यू भाई, एक लास्ट ट्रिक जरूर आप दिखाना। एंड थैंक यू सो मच, मैं चाहता हूँ पवन भैया का, क्योंकि इन्होंने ही इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा है, बहुत अच्छा, क्योंकि इस समय में सबको एंटरटेन करने का जो हमारा जिम्मा है, हम लोग एंटरटेनर हैं तो हमारा फर्ज बनता है पहला कि हम लोगों को एंटरटेन करें, भले ही अपने घर से करें जाते भी करें। बताऊं नेक्स्ट मैजिक 2007 में अमर मुझको पहली बार मिला था,
2007 हाँ जी सात में 14 साल हो गए हैं और 14 साल में जो राइज किया है अमर ने, तो बड़ी खुशी होती है कि हमारा एक छोटा भाई दोनों चल रहे हैं ऐसी गुंजन की तरह। जिस दौरान मैं मिला था उस समय मेरी शुरुआत होती थी। ये ऐसी आवाजें निकालोगे ना आधी दुनिया को वैसे ही पता चल जाएगा किसकी बात कर रहे हो। और जहां आप ऐसे मुंह करने लग जाते हो ना मेरा भी फिर वैसे ही चालू हो जाता है फिर। मत करा करो यार। तो आइए देखें अमर का अमर मैजिक, एक नया जादू। एक अनसॉल्व्ड क्यूब पूरा जो सॉल्व नहीं है। ये तो शुरू में भी दिखाया था। हाँ जी वो दिख। मैं होता ना कई सेकंड लगते हैं किसी को, कई मिनट लगते हैं सॉल्व करने में, बट पाजी मैं इसका अभी कुछ और ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ जल्दी सॉल्व कर सकूं। देखते हैं। ओ भाई ये तो पहले वाले से भी तेज था। ये तो पहले वाला तो पूरा हिल रहा था। थैंक यू भाजी, थैंक यू, लव यू आपके साथ का आपने जो एक और कुछ और दिखा देता हूँ आपको, अगर टाइम हो तो दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आपने दोबारा रोप क्यूब उठा लिया था, मैंने इसलिए बोला पाजी जाने तो खाना बनाना है, बच्चे मारेंगे, मैं भूखा भूखे होते हैं। चलो चलो एक दिखाओ। एक नॉर्मल सा पैक पाजी, खाली है ये भी। जब ऐसे गड्डी दिखाते हो ना मेरा आधा मन तो वैसे ही करने लग जा। चलो अब बाजी होगी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे दिखाऊं आपको, ध्यान से देखना आप लोग। एक रेड कलर की मेरे पास बाइसिकल डेक है, एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं पाजी, जो टोटली सारे के सारे कार्ड यहाँ पे मैंने आपके सामने स्प्रेड कर दिए हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ जो मेरी ऑडियंस यहाँ पे है सब लोग प्लेइंग कार्ड पहचानती भी होगी अच्छे से, तो हम लोग कुछ डिफरेंट यहाँ पे ट्राई करेंगे। पाजी एक पैकेट में कितने कार्ड होते हैं आपको पता है सबको? 52 एंड सारे के सारे आप देखोगे तो यहाँ पे कार्ड है हमारे पास, सबको दिख रहा होगा? बिल्कुल है, ठीक है। ये एक 52 कार्ड की एक डेक है जो रेड कलर की डेक आपको दिखाई मैंने, एंड इसमें खास क्या होने वाला है भाजी? खास ये होने वाला है कि इसको मैं यहाँ पर रब करने वाला हूं एंड पाजी आपको दिखाऊं कि पूरी की पूरी डेक पाजी यहां पर स्प्रेड करके दिखाऊंगा, द होल डेक इज कन्वर्ट इन ब्लैंक। हाउ दिस इज पॉसिबल? अच्छा कुछ खास और दिखाता हूं आपको मैं, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी पाजी कि पूरी की पूरी जो हमारी डेक है वो रेड कलर की डेक है, क्योंकि रेड कलर का मैट है, रेड कलर की डेक है, तो इसके साथ भी कुछ करते हैं। एंड दिस इज अ कन्वर्ट इनटू ब्लू एंड द होल डेक इज ब्लू। क्या बात है, थैंक यू, क्या बात है। एक बार सुंदर तालियां हो जाए अमर के लिए यार, और अमर ने बहुत प्यारे प्यारे मैजिक दिखाए हमें और मेरे ख्याल से बहुत सारे दिखाए हैं, और इन सारी चीजों के चार्ज करते हैं एंड हम भी ये सब जो बोल रहे हैं इसकी भी चार्ज करते हैं, बट हम लोग आपको लेकर आए हैं ये सारी चीजें। हमारे बहुत ही प्यारे स्पॉन्सर्स हैं जो हमारे एशियन फुटवेयर, फ्लोरेड, कोको फॉर्म एंड बिजी बिजनेस सॉल्यूशन ऐप, और इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और स्पेशली थैंक्स है एस म्यूजिक मेकर टीवी, पवन श्रीवास्तव जी का एंड मेरा एंटरटेनमेंट विद गुंजन सक्सेना। देखो अपना भूलना नहीं चाहिए, आदमी अपना भी करना चाहिए, पता चले बाद में कोई पूछ ना रहा हो। दाए जाए हमारे, हमने कहा हमारे एस म्यूजिक मेकर टीवी के एक और पैटर्न है अनिल टेकरीवाल जी भी वहां से अमर के मैजिक के लिए। अरे वाह अनिल जी, थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू। आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे बस, और आप सब लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी, पाजी एक बार बता दो जरा। बिल्कुल बताओ
मैजिशियन अमर सिंह के नाम से मेरा फेसबुक पेज है और मैजिशियन अमर सिंह के नाम से इंस्टा पे भी, यूट्यूब चैनल मैजिशियन अमर सिंह के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए वहां पे। एंड आई होप सबको मजा आया होगा, तो थैंक यू सो मच। मैं भी बोलना चाहूंगा मेरा नाम गुंजन सक्सेना है, एंटरटेनमेंट विद गुंजन सक्सेना। लाइक करो, फॉलो करो, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो अभी फटाफट आगे। कोई मत बोलो, ये तो नहीं, एक्चुअली में वो तो श्रीवास म्यूजिक इवेंट है ना सर, श्रीवास है ना वो तो, एस म्यूजिक मेकर इवेंट है। ओके, सो एस म्यूजिक मेकर इवेंट के बैनर तले ना बहुत शो करे हैं मैंने, और दिल्ली नहीं, दिल्ली से बाहर भी बहुत शो करे हैं, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, दिल्ली से बाहर बहुत जगह शो करे हैं, तो वो भी करे हैं, मैंने गोवा भी करा है, टेंशन ना लो, ऐसे ना देखो तुम। सबको दिल्ली से बाहर बहुत शो करे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कम बजट में इन दोनों आर्टिस्ट को लाना हो तो सिर्फ एस म्यूजिक मेकर इवेंट से ही बुक करवाना, डायरेक्ट अगर कॉल किया तो बहुत महंगे पड़ेंगे। सोच भी नहीं पाएंगे यार, सोच भी नहीं पाओगे, बड़ा पछताओगे। सॉरी गाइस, यार थोड़ी मस्ती जाते जाते एंड में बहुत जरूरी, थैंक यू वेरी मच आप सबके टाइम के लिए, आप सबके पीछे कमेंट्स के लिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें, जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं, और जितना हो सके घर से कम बाहर निकले, लॉकडाउन खुला है, कोरोना गया नहीं है, कोरोना गया नहीं है, वेरी गुड, सही बात है, प्लीज। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, नवी चलता भाई, कल मिलते हैं 8 बजे रात को, 8 से 9 स्टोरी विद जूनियर देवानंद, किशोर भानुशाली, हमारे कमिश्नर ऑफ भाभी जी घर पे हैं, एंड अप्पू सिंह की उल्टन पल्टन, और सैटरडे को देखना ना भूलिएगा लिटिल वंडर सीजन 2 का वंडर 6 कंपटीशन। इस बार बहुत स्पेशल एपिसोड है जो कल रिवील होगा कि हम उसमें क्या स्पेशल करने वाले हैं, कल वो डिस्क्लोज करेंगे हम। और उसके अलावा हर संडे रात 9 बजे एंटरटेनमेंट भगवान की कसम, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।